ईटानगर सिटी द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड यहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू आते हैं एंड जैसे कि आपको फील हो रहा है बहुत बढ़िया सा हवा भी चलता है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सराय डिजिटल नेटवर्क। तो आज हम निकल रहे हैं पासीघाट के लिए, बाइक से फुल्ली रेडी हो चुका है हम, अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे पासीघाट के लिए। सो जितना मज़ा आपको बाइक चलाने में आता है, एक बाइक जर्नी करने में आता है, उतना ही तकलीफ होता है बाइक में सामान ले जाने के लिए, क्योंकि आपको गाड़ी का जैसा तो ये है नहीं कि सामान डिक्की में डाला और चला गया। बाइक है, दो पहिया का खेल है, तो इसमें अच्छा से आपको सामान बांधना पड़ता है। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ में दो लगेज है, ये मेरा पीछे का बैग है टेल बैग एंड ये मेरा टैंक बैग। ये तो चलो हम पहले भी लगाता था, बट ये टैंक बैग मेरे पास कल ही आया एंड इसको लगाने में हमको लग गया 30 मिनट्स, क्योंकि इसको कैसे लगाता है ये स्टडी करने में हमको बहुत टाइम लग गया। सो बाइकिंग, अगर बाइक में टूरिंग करेगा सोचने से ये सब चीज़ को भी आप तैयार होना है। अभी हम लोग फटाफट निकल जाता है क्योंकि आज धूप जो है एकदम फुल रोशनी दे रहे, कल बारिश को ज़्यादा गाली दी दिए तो आज भुगतना पड़ रहा है। सो राइट नाउ द टाइम इज 12:21 एंड ट्रिप मीटर कर लिए 0 एंड आगे में फ्यूलिंग करने के बाद हम लोग जो बाइक का आज माइलेज भी टेस्ट कर लेगा। लेट्स गो। और यहाँ में मेरा भाई रुका है, ठीक है तो कल कर देना। अच्छा से बैठो, आओ बाद में, हाँ निकलेगा, घर में बता दो। अभी हमने ईटानगर को पीछे छोड़ दिया एंड हम है ईटानगर टू नाहरलगन का हाईवे में। आगे में पेट्रोल स्टेशन एक आएगा, वहाँ पे कर लेते हैं फ्यूल अप। और अभी थोड़ा हम स्लो राइड कर रहे हैं, थोड़ा बॉडी को एडजस्ट होने देगा। नहीं, कैश। सो तेल गया है आपका 9 लीटर। नहीं नहीं, 2.5। बाहर से लाया होगा ना? नहीं नहीं नहीं, ये तेजपुर से लिया था हम। यहाँ में नहीं था ना। ट्रिप 2 को कर लेते हैं 0 और आज हम लोग माइलेज टेस्ट कर लेंगे ना। अभी टाइम आपका दोपहर का है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है एंड गर्म जो है पूरा हमको परेशान कर रहा है, पूरा हम अंदर से पूरा स्वेटी हो चुका है, ग्लव्स भी हमने पहन लिया है, फिर और बहुत ज़्यादा गर्म भी लग रहा है अभी उसका वजह से। तो ये भी एक राइडिंग का पार्ट होता है, एक कौन पकड़ सकता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है बदन, तो इसमें आदमी का थोड़ा मतलब एक मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ा इरिटेटेड सा हो जाता है। एंड हमने पेट्रोल आगे फुल करा लिया था और अभी यहाँ से तो कहीं रुकने का मतलब तो नहीं बनता है, हम यहाँ से सीधा जाएगा एंड पासीघाट में ही रुकेगा, ये मेरा एक सोच है। और एक जो है मेरा ये जो बाइक है इसका आगे से ग्र ग्र करके एक जो साउंड आ रहा है, अभी आप लोग को तो सुनाई नहीं देगा बट एक साउंड आ रहा है, तो ये हम कल से सुन रहे हैं, मतलब ये नॉर्मल है ना क्या है, थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। इज़ देर एनी प्रॉब्लम विथ माय बाइक? वैसे तो नया बाइक है, ऐसे प्रॉब्लम फट से नहीं आना चाहिए। आगे से बहुत एक साउंड आ रहा है वियर्ड सा, देखते हैं वापस आते समय में आई हैव टू विजिट सर्विस सेंटर वंस अगेन। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत डिहाइड्रेटेड भी हो रहा है और भूख भी ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ मैं कुछ खा लेगा क्योंकि आसाम में तो बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मतलब समझ सकता होगा, थोड़ा भीग चुका है, राइड का था अभी 10% भी नहीं है, फिर भी थोड़ा भीग चुका है, फिर भी गर्म में हम टेकिंग कॉफ़ी, क्योंकि गर्मी को गर्मी ही मार सकते हैं, ठंडा पानी पीने से वापस गर्म लगेगा। अभी हम पहुंच गया अरुणाचल का बॉर्डर में, इससे इस तरफ जो है आपका आसाम है एंड बहुत गंदा रास्ता, बहुत ही ज़्यादा गंदा रास्ता, गाड़ी में इतना मालूम नहीं चलता ना, बाइक में हर एक चीज़ का फील आता है ना, बहुत गंदा रास्ता है, एक भी लाइक नहीं है इसको कैपिटल का रास्ता बोलने का, इतना फालतू है, हम तो वही समझ भी नहीं आते क्योंकि कैपिटल में तो सब आकर रहता है,
हर जगह का, हर डिस्ट्रिक्ट से उनका मिनिस्टर्स और MLAs रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ में सबसे एडमिनिस्ट्रेटिव हब यहाँ है। सब कुछ यहाँ होने के बावजूद भी यहाँ का रास्ता इतना बेकार कैसा है, जबकि आप इसको कैपिटल बोलते हैं, ट्विन कैपिटल बोलते हैं। ईटानगर भी जैसे तैसे ठीक है, नाहरलगन का हाईवे तो, और नाहरलगन से आगे तो आप पूछो ही मत, इतना बकवास रोड है। मतलब आदमी तो मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वही गड्ढा गुड्ढी में झटका खा खा के उसका हालत ख़राब हो जाएगा। इतना गंदा रास्ता है सच में, इतना फालतू। अरे कम से कम जो एग्जिस्टिंग रोड है उसका जो ख़राब हुआ है उसको मेंटेनेंस करवा दो, एक बार करा दो, अच्छे से करा दो। ठीक है आप फ्लाई ओवर बनवा रहे हैं नाहरलगन में, तो फ्लाई ओवर तो बीच में बनते हैं ना, साइड में तो नहीं बनते। तो साइड का रास्ता जो है उसको जो अच्छा से करा दो, जैसे आसाम में कराता है, जब उन लोग टेम्पोरेरी रोड बनाने से भी उन लोग अच्छा से बना के देते हैं, इसे टाइम से करो। इतना गंदा, मतलब इससे छोड़ दिया जो छोटा गाड़ी वाला लोग तो बहुत तकलीफ होगा। और पता नहीं यहाँ का पब्लिक भी ये चीज़ को क्यों आवाज़ नहीं उठाता, इतना गंदा रोड को कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। चला एक भी लाइक से बोलने का लायक नहीं है, इरिटेट भी लग गया रास्ता को देख के। हम लोग का यहाँ का जो भी हायर अथॉरिटी है ना, उन लोग का एक बार टेम्पो में वो भी पीछे में बैठा के पूरा शेयर कराना है, ईटानगर से लेकर पूरा आपको ये जो बॉर्डर था ना आपका घूमतों का, वहाँ तक पूरा शेयर कराना है, तब समझ में आएगा कि पब्लिक का दर्द क्या होता है। फॉर्चुनर एंडेवर में बैठ के तो कुछ फील नहीं आएगा ना, स्कॉर्पियो थार में। एक नॉर्मल आदमी को पूछो रास्ता में एक गड्ढा होने से कितना तकलीफ होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसमें क्या है, कभी दिन गड्ढा गुड्ढी में क्या है, गड्ढा बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट भी होने का चांसेस है, रात को तो और भी दिखाई नहीं देगा। तो ये सब चीज़ को थोड़ा कंसर्न लेना है। आप लीडर है, आप पब्लिक सर्वेंट है, आपका यही तो ड्यूटी है। आप अगर एक रोड नहीं सुधार सकेगा तो फिर क्या आप कर रहे हैं अपना पोस्ट में बैठ के। और हम तो मतलब हो गया, ओ नेक्स्ट टाइम से अगर कहीं निकलेगा बोलने से, दिन को तो नहीं निकलेगा, या तो सुबह या तो नहीं। आज दिन को निकल के बहुत ज़्यादा पछता रहा है हम भी। एक तो इतना गर्म लग रहा है, ऊपर से रास्ता का हालत ने और भी इरिटेट करा दिया, इतना थका दिया, मतलब इतना शायद हम पूरा जर्नी में भी नहीं थकना था होगा जितना थका दिया हमको। सो द टाइम इज़ 2:20 एंड इट्स 63 किलोमीटर्स एंड अभी हम चढ़ चुका है आपका लखीमपुर का बाईपास। एंड अभी भी मतलब बदन जो बहुत वो हो गया, डिहाइड्रेटेड हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, फिर भी जर्नी तो कंटिन्यू रखना है बिकॉज हमको अंधेरा से पहले पहुंचना है। अगर ऐसा हाईवे होता पासीघाट तक आपको 2 लेन तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये जो है आपका सिंगल है, एक साइड जाने का एक साइड आने का, तो इसमें टाइम थोड़ा लगता है। इज द डाइवर्जन फ्रॉम हेयर विल हैव टू टेक लेफ्ट टूवर्ड्स पासीघाट, इफ़ यू गो राइट यू कनेक्ट टूवर्ड्स तेजपुर रोड। एंड अभी हम लोग का किलोमीटर्स हो गया 76, टाइम हो गया 2:46 होगा, आज हम लेट होगा, जल्दी तो नहीं पहुंचेगा जहां तक हमको लग रहा है। इट्स 103 किलोमीटर्स एंड हम पहुंच चुका है सुबनसिरी में। आज से लगभग 3 महीने पहले यहां पे एक इंसिडेंट हुआ था हम लोग का एक अरुणाचली आदमी के साथ, जिसका वजह से मतलब पूरा अरुणाचल का ट्रांसपोर्ट यूनियन ने सुबनसिरी में जो लोग ड्राइवर्स लोग हॉल्ट करते हैं उसको पूरा बैन कर दिया था। यहाँ पे एक बहुत ख़राब इंसिडेंट हुआ था तो उसका वजह से, तो उसका बाद सुबनसिरी थोड़ा सूख गया। अभी भी देखा है कि गाड़ी नहीं है, और हम लोग का जो चलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं रुकते, हम लोग का लोकल आदमी भी रुकने छोड़ दिया था यहाँ मेरा, इसलिए अभी थोड़ा सूख गया। और ये है सुबनसिरी ब्रिज। ओके सो एंटर्ड गोगामुख टाउन एंड दिस कम्स अंडर धेमाजी डिस्ट्रिक्ट। तो ये धेमाजी डिस्ट्रिक्ट है, ये भी काफ़ी बड़ा है। एंड इस रोड में आपको अगर आप पासीघाट की तरफ जाता है देन यू हैव टू क्रॉस धेमाजी। गोगामुख से भी एक रास्ता है जहाँ से आप माजुली आइलैंड की तरफ जा सकते हैं, आई नो बिकॉज हम उसमें खोया था। सो ये बाइक को अभी हमने बहुत देर तक चला दिया। इसमें और एक चीज़ ऐड कर सकता है एज अ टूरर कि इसका जो ये जो हैंडल बार जो है ना थोड़ा नीचे है, उससे क्या होता है कि हम लोग का जो बॉडी जो है थोड़ा सा आगे की तरफ लीन हो जाता है। हम लोग का जो ये आर्म जो है स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा नीचे है,
तो इससे क्या होगा कि आपका जो हाथ में थोड़ा सा दर्द होने शुरू हो जाएगा। जैसे हम कल से चला रहे तो कल भी थोड़ा दर्द दे रहा था, आज भी ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा दर्द दे रहा है। ये आपका R15 जैसे तो नहीं दर्द देगा, बट थोड़ा सा दर्द तो है। तो इसमें या तो आप हैंडल बार राइजर्स लगा के इसको ऊंचा उठा लो, या तो अगर कोई अल्टरनेट हैंडल मिलता है थोड़ा ऊंचा वाला तो वो लगा लो, तब आपको ज़्यादा आराम होगा लॉन्ग टूरिंग में। शॉर्टर कम्यूट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो किलोमीटर्स डन 138 एंड अभी हम पहुँच चुका है धेमाजी टाउन। यहाँ पे अभी हमको ढूंढना है एक जगह जहाँ से हम पानी ले सके। पानी दो बोतल दीजिए ना। थोड़ा आगे में जाके आराम से खुला में रुक के तब पानी पीते हैं। So far 150 kilometers done, 100 kilometers to go, 100 to 110 and अभी थोड़ा देर में हम लोग डिब्रूगढ़ तिनाली पहुँच जाएगा। वहाँ से आप लेफ्ट साइड जाने से यू विल गेट बोगीविल ब्रिज एंड देन यू कैन गो टूवर्ड्स डिब्रूगढ़। बहुत 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 गर्म है, बहुत ज़्यादा ही गर्म है। अगर आप में गर्म बर्दाश्त करने का ताकत नहीं है तो आप बाइक में ट्रैवलिंग बहुत कम कर सकेगा, एंड अगर आप करेगा भी तो आप ऐसे टाइप का जो गियर्स में करने का जो सपना देख रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गियर्स बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि इसमें आपको सेफ्टी भी देना पड़ता है इसका वजह से। चेहरा का हाल देखो यार, टाइम 4:23। सो यहाँ से राइट जाने से यू विल गो टूवर्ड्स डिब्रूगढ़। तो अगर आप ईटानगर से या पासीघाट से आप कोहिमा जाना चाहता है, तिमापुर कोहिमा, देन यू टेक दिस रोड। आप जो है आराम से बोगीबिल पकड़ के आप कोहिमा रोड पकड़ सकते हैं। पासीघाट वाला के लिए तो और भी कन्वीनियंट है, एंड जो लोग ईटानगर से जा रहा है जो फर्स्ट टाइम, मैप देख के जाने से आप खो जाएगा, माजुली आइलैंड की तरफ चला जाएगा। इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप भी इधर बोगीबिल से जाओ। मैप पे तो आपको राइट साइड दिखाएगा, लेकिन वो राइट साइड जो है आपको माजुली आइलैंड का फेरी का रोड दिखाता है। वो वहाँ से भी जा सकता है, बट फेरी में आपको चार्जेस देना पड़ेगा एंड व्हाट्सो एवर। तो अगर आपको वो सब नहीं करना, एंड फेरी में भी आपको वो होता है ना, मतलब रिस्क भी होते हैं और उनका टाइमिंग भी होता है। सो अगर आप इमरजेंसी है देन यू टेक दिस। नॉर्मल जो हाईवे होता है वहाँ में तो आपका जो कोई भी बाइक है मज़ा से चलेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, पर ऐसे टाइप का रोड्स में आपका बाइक्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। छोटा बाइक्स R15 हो गया या नेकेड स्पोर्ट्स बाइक हो गया जो भी, तो ऐसे में ये सुजुकी वी स्टॉर्म जो है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है। जैसे यहाँ का रोड देख सकते हैं पूरा पथरीला है, और हमको कोई इतना जर्क महसूस नहीं हो रहा, हम आराम से इसको लेके जा सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। तेल भराने के बाद वी हैव डन 168 किलोमीटर्स एंड अभी तक सिर्फ एक ही बार नीचे गया है मेरा तेल का, सी एक बार। थोड़ा आगे में जब हम लोग अरुणाचल एंटर करेगा वहाँ में हम वापस से पेट्रोल डालेगा, तब पता चल जाएगा कि इसका एग्जैक्ट माइलेज क्या है। ये जो मेरा जो कैलकुलेशन है वो जो आपका होगा टैंक टू टैंक कैलकुलेशन। ऑलराइट गाइस, सो अभी टाइम हो रहा है आपका 5:47 एंड हमने कर लिया 209 किलोमीटर्स एंड रुकसिन अभी भी यहाँ से आपको लगभग 20 किलोमीटर जैसे दूर है, और रात हो गया इसलिए मेरा स्पीड डायरेक्टली स्लो हो गया। और एक चीज़, इसका लाइट जो है ना इतना अच्छा नहीं है ये वी स्टॉर्म का ना। अगर आप टूरिंग करते हैं तो यू नीड सम ऑक्सिलरी लाइट्स, जैसे कि फॉग लाइट्स एंड ऑल लगाना पड़ेगा। नहीं तो देखो इसका कुछ भी हमको इतना नज़र नहीं आ रहा है, आगे से लाइट मार दिया तो हमको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है।
सो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हैं, स्पेशली नाइट राइड में। सो अभी हम पहुंच चुका है रुकसिन एंड यही है हम लोग का जो बॉर्डर चेक गेट। यहाँ से इस तरफ जाने से आपको रायांग बस्ती है एंड सीधा जाने से पासीघाट। दिस इज़ द बॉर्डर। या फाइनली अरुणाचल एंटर हो गया। अद्दा मरा हो गया था वहाँ में तो। और नाइट ड्राइविंग मेरा सबसे हेड मोस्ट है और इस बार हम वो भी करना पड़ गया। 30 कर दो। अरे 40 कर दो, नहीं तो मिला देना ना। वो 40 कर दो बोला। बस 460। सो तेल गया है 4.77। थोड़ा गाड़ी आगे कर लेता हूँ। तो 235.9 डिवाइडेड बाय 4.77 तो हमको 49 का माइलेज दिया। सो दिस इज़ द माइलेज ऑफ सुजुकी वी स्टॉर्म इन टैंक टू टैंक कैपेसिटी जो हमने नापा है। इसमें हर तरह का ड्राइविंग था, फास्ट था, स्लो था, ट्रैफिक था और ख़राब रास्ता, अच्छा रास्ता, हर चीज़ में। तो ये मेरा आज का माइलेज निकल के आता है। सो फॉर पीपल हु हैव डाउट, ये है आपका माइलेज। ऑलराइट गाइस, फाइनली आई पासीघाट का गेट पहुंच गया। यहाँ से हम अभी फाइनली पासीघाट एंटर हो चुका है। अब यहाँ से मेरा डेस्टिनेशन ज़्यादा दूर नहीं है। अभी टाइम हो रहा है आपका 7:33 एंड किलोमीटर्स का बात करने से 275। बहुत टायरसम जर्नी था रे। मेन तो एक तो ये जो गर्म और दूसरा रास्ता का हालत ना, जो रुकसिन पहुंचने से पहले बहुत ज़्यादा ख़राब था और प्लस रात हो गया, तो रात में और भी नाइट ड्राइविंग बहुत बेकार होता है। एक तो रास्ता भी ख़राब होता है, ऊपर से जो रात ना, यू कैन नॉट टेक चांसेस। ओके गाइस, तो टाइम हो रहा है अभी 7:50 एंड किलोमीटर्स हो गया आपका 284। सो आज का वीडियो यहीं तक रखता है। होप कि आप सभी को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा और इसमें हमने रिव्यू और वीडियो को साथ में किया है, बिकॉज जब हम लोग असली में टूरिंग करता है तब हम लोग को इसका बहुत सा चीज़ है उसको पता चलता है। तो यही था। सो होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द सराय डिजिटल नेटवर्क चैनल। टिल देन, साइनिंग ऑफ सराय डिजिटल नेटवर्क। गुड बाय।